Hello students, in today's lecture of the liquidator account, we are starting with the practical number 19, that Belgium Company Limited, that is most important practical. That see, the liability is given, asset is given respectively. Other information is given, liability bank overdraft that is secured by the stock and mortgage loan secured by the investment. Then creditors, employees' gratuity and outstanding salary of the workmen. Let's see the additional information. Pay 1 year dividend as on the preference shareholders. Asset realized total asset. Fixed asset to like 50,000 and stock 18,000. Then creditor of the mortgage loan should invest the 25,000 and the additional amount were realized from the return to the liquidator. Then creditors include the employees provident fund 15,000, liquidation expense 3680. Liquidator's remuneration is amount realized by 5% on amount payable to the preferential creditors, 4%, 3% to the unsecured creditor except the preferential creditors. Then the amount paid to the preferential shareholders 2% and an amount paid to the equity shareholders 1%. There is a last point. This is the most important point. It is provided by the article of the association that after paying the equity shareholder, if any their surplus is there, preference shareholder are entitled to have 20% of it. ये बहुत important point है, वो मैं समझाती हूँ. अगर हमारे पास enough money है, right? तो जो भी आफ्टर पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पे करने के बाद अगर जो अमाउंट बचती है उसकी बात हो रही है. अब तक हमने देखा कि जितनी भी अमाउंट पे थी, हमने पेएबल थी वो पे कर दी, तो बाद में कैपिटल डेफिशिएंसी भी हो रही थी, तो हमने क्या किया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास से अमाउंट मंगवा दी और पेमेंट कर दिया, राइट? बट अब इस सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि एक्स्ट्रा मनी बच रहा है. तीन ऑप्शन होते हैं, यानी कि तीन सिचुएशन होती हैं कि आपके पास इनफ मनी है और इनफ पेमेंट हो गया है, राइट? सो वो सेटल हो जाएगा टोटली. दूसरी सिचुएशन ये है कि इनफ अमाउंट नहीं है, राइट? सो किसी ना किसी इक्विटी शेयर होल्डर के पास से हम मंगवाएंगे, कैपिटल डेफिशिएंसी फाइंड करेंगे, प्रपोर्शन फाइंड करेंगे और किसी को पेमेंट करेंगे और किसी के पास से मंगवाएंगे. ये दूसरी सिचुएशन. अब तीसरी सिचुएशन आई कि अगर मनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट करने के बाद बच जाता है तो जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही मिलता है. टोटली अमाउंट, जो भी बचा हुआ अमाउंट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है. बट यहाँ पे एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया गया है कि अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट बच जाता है तो 20% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलने चाहिए. तो अगर हम इस समय देखेंगे कि कितनी अमाउंट बच रही है, उसके बाद जो भी पेमेंट होगा उसमें से 20% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, राइट? अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी 20% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी जो भी सरप्लस है वो मिलेगा, तो डेफिनेटली द अमाउंट पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स परसेंटेज 2% एंड हियर इट्स 1%. तो इसका अमाउंट भी चेंज होगा. लिक्विडेटर को भी रेम्यूनरेशन उस हिसाब से मिलना चाहिए कि अमाउंट पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, राइट? सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस काइंड ऑफ द सम. बिफोर दैट, एज वी आर डूइंग इन दिस सम, अंटिल द पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, हम जैसे ही करते थे हम वैसा ही करेंगे. लास्ट में ये नया पॉइंट एड हो रहा है कि अगर पैसा बच रहा है, एक्स्ट्रा सरप्लस है, तो जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए. बट यहाँ पे एक अलग प्रोविजंस है, तो उस प्रोविजन के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द कैलकुलेशन ऑफ दिस बेसिक कैलकुलेशन. तो एज इट इज, हम सबसे पहले रिसिप्ट साइड में क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश और बैंक. ओपनिंग बैलेंस ऑफ द कैश और बैंक की वैल्यू है 2,60,000. सो यहाँ पे 2,60,000 लिख लेते हैं, राइट? देन असेट रियलाइज्ड, असेट रियलाइज में फिक्स्ड असेट रियलाइज हो रहे हैं 2,50,000 के, राइट? और स्टॉक, बट स्टॉक तो मोर्टगेज है,
स्टॉक की अमाउंट क्या है, मोर्टगेज है बाय द बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ में स्टॉक मोर्टगेज किया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी है 22,000 और स्टॉक में से कितना मिला है 18,000, यानी कि 4,000 अभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना बाकी है। तो ये मैंने कल भी बताया था कि अगर एक्सेस कोई अमाउंट रह गई है, उतनी सफिशिएंट अमाउंट असेट में से नहीं मिल रही है, तो ये 4,000 कहाँ पे आएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएंगे, राइट। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 4,000 आएंगे, जो हमें याद रखने हैं वो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में हमने लिखने हैं, राइट। देन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी मोर्टगेज था और इन्वेस्टमेंट सोल्ड हो रहा है 25,000 में और लोन की अमाउंट थी 13,000, 13,000 लोन की अमाउंट थी, हमने इन्वेस्टमेंट 25,000 की दे दी है, राइट। यानी कि 12,000 का सरप्लस हुआ, वो लिक्विडेटर को रिटर्न किया, यानी कि लिक्विडेटर 12,000 का सरप्लस रिसीव करेगा। सो यहाँ पे 12,000 सरप्लस आएगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड के 12,000 सरप्लस में आएंगे, फिक्स एसेट 2,50,000 एज इट इज हम लिखेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन सी चीजें रिसिप्ट में आ सकती हैं। तो ये सरप्लस भी हमने ले लिया, फिक्स एसेट भी रियलाइज्ड हो गया और ओपनिंग बैलेंस भी एक्सेप्ट हो गया। अब पेमेंट की बारी आती है, सबसे पहले आएंगे फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में पहले तो बैंक ओवरड्राफ्ट था, वो तो हमने स्टॉक एक्सचेंज में दे दिया, 4,000 आया एक्स्ट्रा एडिशनल, वो हम अनसिक्योर्ड मिलेंगे, राइट। देन मोर्टगेज लोन थी, वो भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू और सरप्लस हमने रिसीव कर लिया, राइट। देन क्रेडिटर्स हैं तो वो तो अनसिक्योर्ड में आएंगे, ग्रेजुएटी है वो तो प्रेफरेंशियल में आएंगी। देन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ द वर्कमैन, वर्कमैन का जो भी प्रोविडेंट फंड है, जो भी प्रोविडेंट वर्कमैन की सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो सिक्योर्ड में आएगी, तो आउटस्टैंडिंग वर्कमैन सैलरी 12,000 rupees। उसके बाद क्या आएगा, लिक्विडेशन एक्सपेंस। लिक्विडेशन एक्सपेंस क्या इतना है, 3,680, कितना है 3,680। देन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे रेम्यूनरेशन के 5 पॉइंट्स हैं, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट है 5% असेट रियलाइज्ड, 5% असेट रियलाइज्ड। यहाँ पे असेट रियलाइज्ड 2,50,000 है, बट स्टॉक का भी असेट रियलाइज्ड हुआ है, राइट। सो यहाँ पे असेट रियलाइज्ड कितना हुआ है, 2,68,000 के 5%, 2,68,000 के 5%, दैट इज 13,400 वी हैव टू पे एज अ रेम्यूनरेशन, राइट। देन 4% पेड टू द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यहाँ पे 4% प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के देने हैं। देन 3% किसे देने हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट को देने हैं। देन 2% देने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट को। देन 1% इक्विटी शेयर पेमेंट में। तो इतनी सारी परसेंटेज में हमें रेम्यूनरेशन देने हैं, जितनी भी अमाउंट, जैसे जैसे हम अमाउंट फाइंड करते जाएंगे रेम्यूनरेशन की अमाउंट ऐड करते जाएंगे, राइट। लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन के बाद हम क्या पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या आएगा, फर्स्ट एम्प्लॉयज सैलरी या एम्प्लॉयज ग्रेजुएटी आएगी 25,000 और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आएगा 15,000 जो एडिशनल में दिया गया है। सो 25,000 प्लस 15,000, 40,000 विल कम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने आए, 40,000, 40,000 के 4% रेम्यूनरेशन में मिलेंगे। सो 40,000 4%, 1,600 विल पेड एज अ
remuneration to the liquidator, right? So सबसे पहले unsecured, then liquidator expense and liquidator's remuneration, then preferential creditors, then the creditor with the floating charge, that is debenture यहाँ पे कितने हैं 74,000 और परसेंटेज भी इंटरेस्ट का नहीं दिया गया है और कोई भी आउटस्टैंडिंग की डेट भी नहीं दी गई है तो एज इट इज हम 74,000 डिबेंचर्स की लिखेंगे राइट डिबेंचर्स को पे करने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आते हैं राइट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में सबसे पहले जो हमने 4,000 याद करके लिखा था वो लिख लेंगे फॉर बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेस अमाउंट बैंक ओवरड्राफ्ट के 4,000 देने हैं राइट वो 4,000 आ गए अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या आएगा तो कि यहाँ पे क्रेडिटर्स में दिया है 31,000 राइट और उसमें एडजस्टमेंट में दिया है क्रेडिटर्स इंक्लूड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी कि 31,000 में प्रोविडेंट फंड इंक्लूडेड था तो वो तो हमने प्रेफरेंशियल में ले लिया तो बाकी कितना बचा 16,000 सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स विल कम 16,000 राइट 31,000 था उसमें से 15,000 ऑलरेडी इंक्लूड था तो हमने क्या कर दिया एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि वो तो हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ले लिए तो वो माइनस करेंगे तो बाकी का कितना आया 16,000 16+4 20,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी आई 20,000 20,000 के 3% राइट ₹600 डन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को भी पे हो गया डिबेंचर्स पे हो गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी पे हो गए अब बारी आई प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल कितनी है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल है 1,00,000 रुपीज और 1 ईयर का डिविडेंड बाकी है सो डिविडेंड आएगा 12% यानी कि 12,000 रुपीज टोटल अमाउंट इज 1,12,000 1,12,000 रुपीज राइट 1,12,000 के 2% रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा बट यहाँ पे अगर एडिशनल उसे 20% जो हमने बात की थी कि अगर बच जाएगा तो एडिशनल 20% भी मिलेगा राइट वो अभी भी अमाउंट हमें नहीं मिली है सो उसके ऐड करने के बाद हम 2% निकालेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन में हम दिखा देते हैं कि 1,12,000 पे हमें 2% 1,12,000 के 2% यानी कि 2,240 तो देने ही हैं बाकी एडिशनल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा वो हमें यहाँ पे लिख के बाकी का टोटल हमें यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन लिख लेते हैं कि 2,240 तो देना ही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट हो गया अब इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात आती है तो पहले तो देख लेते हैं कि इनफ अमाउंट है या नहीं है सो टोटल लिख लेते हैं रिसिप्ट साइड का 2,60,000 प्लस 2,50,000 प्लस 12,000 5,52,000 उसमें से ये अमाउंट हम डिडक्ट करते जाएं ये भी अमाउंट डिडक्ट करेंगे ही अमाउंट बच रही है 2,44,720 राइट दैट मीन्स कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की कितनी कैपिटल है 2,00,000 रुपीज है तो इक्विटी शेयर को 2,00,000 रुपीज हम दे सकते हैं तो हाँ दे दिया चलो इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी 2,00,000 रुपए दे दिए
सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 लाख रुपए दे दिए तो उसके 1% रेमुनरेशन भी पे होगा, राइट? सो यहाँ पे 2 लाख रुपए, उसका 1% दैट इज 2000, और एडिशनल जितना मिलेगा उतना, राइट? तो अभी देखते हैं कि सफिशेंट अमाउंट बाद करने के बाद सरप्लस कितना बचता है, और ये दोनों जो पेमेंट फिक्स्ड हैं वो माइनस करके सरप्लस कितना बचता है वो पहले फाइंड करेंगे। तो अभी हमने देखा कि सरप्लस कितना बच रहा था, 2,44,720 बच रहा था, उसमें से लास्ट में हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2 लाख रुपए दे दिए, राइट? उसको 2 लाख रुपए हमने दे दिए, तो बाकी कितना बचता है, 2,44,720 - 2 लाख, दैट इज ऑब्वियस थिंग, वी हैव अ रिसिप्ट ऑफ द 44,720। कितना बचता है, 44,720। अब ये दोनों अमाउंट तो फिक्स ही हैं, राइट? ये तो पेमेंट करना ही है, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दैट इज 4,240, आंसर बचेगा 40,480। ये है सरप्लस। समझ में आया मैंने क्या किया? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करने के बाद भी अब इतनी अमाउंट बच जाती है, ये तो फिक्स है कि पेमेंट करना ही पड़ेगा रेम्यूनरेशन का, राइट? सो वो बात कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली 40,480 हमें सरप्लस मिलेगा, राइट? बट अभी भी ये अमाउंट की जो रेम्यूनरेशन की अमाउंट है वो लेस करनी बाकी है, तो यहाँ पे ये अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी, राइट? सो प्रोविजन क्या है, तो प्रोविजन ध्यान से सुनिए, प्रोविजन है 20% विल रिसीव्ड बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा 20% मिलेंगे, उसे जो 20% मिलेंगे उसके पर 2% रेम्यूनरेशन मिलेगा, राइट? तो अगर टोटल 20% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं तो 80% किसे मिलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, राइट? इक्विटी शेयर होल्डर्स पे रेम्यूनरेशन कितना है, 1%, राइट? तो यहां पे रेम्यूनरेशन की अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने ये अमाउंट लेस नहीं की है, दैट मींस इन 40,480 रेम्यूनरेशन की अमाउंट जो यहां पे हमने अज्यूम की थी कि कुछ आएगा, जरूर आएगा, तो वो यहां पे इंक्लूड है, कितनी है वो हमारे पास नहीं है, तो वो फाइंड करते हैं कि टोटल रुपीज है 40,480, उसमें से 20% प्रेफरेंस शेयर, साथ में रेम्यूनरेशन 2%। सो 20 का 2% कितना हो रहा है, 0.4, 20 का 2% कितना हो रहा है, 0.4, यानी कि 20% प्लस 0.4% रेम्यूनरेशन पेड बाय द प्रेफरेंस शेयर्स, और 80% का 1% कितना होता है, 80% का 1% 0.8, दैट मीन्स यहां पे जो अमाउंट है रेम्यूनरेशन की, दैट इज 0.4 एंड 0.8 आर इंक्लूडेड इन दिस टोटल अमाउंट, राइट? जो हमने बात करना है वो अभी बात नहीं किया है, दैट मीन्स वो यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो टोटल 20% एंड 80%, 100 प्लस 0.4 प्लस 0.8, दैट इज 100% पे 0.4 और 0.8 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, दैट मीन्स 1.2, दैट मीन्स 101.2 टोटल अमाउंट है। तो दोनों का रेम्यूनरेशन मिला के क्या आया, 1.2 रेम्यूनरेशन है और बाकी की अमाउंट 100% होगी। 100% पे 1.2% वो हमें पेमेंट करने हैं रेम्यूनरेशन के, दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी रेम्यूनरेशन इंक्लूडेड है, तो ये टोटल अमाउंट है वो 101.2% है, तो 100 पे कितनी आएगी, सो 40,480 इंटू 100 अपॉन 101.2, दैट मीन्स इट विल कम 40,000, इट विल कम 40,000। तो ऑब्वियस थिंग है,
40,440 में से 40,000 सरप्लस की अमाउंट है और 480 क्या है, रेम्यूनरेशन की अमाउंट है, राइट और सरप्लस 40,000 है, उसमें से 20% किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, बाकी का 80% किसे मिलेगा, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर को मिलेगा, राइट तो प्रेफरेंस शेयर 40,000 के 20% 8,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे और बाकी के 32,000 किसे मिलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे एडिशनल। समझ में आया, 8,000 रुपीज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेंगे, 32,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेंगे और रिस्पेक्टिवली रेम्यूनरेशन भी मिल जाएगा, जैसे कि 20% पे 2% एक्स्ट्रा, यानी कि 88,000 का 2% दैट इज 160, प्रेफरेंस शेयर वाला 160, यानी कि यहाँ पे 160 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे रेम्यूनरेशन टोटल 480 है, उसमें से 160 माइनस हो जाएगा, या तो फिर 32,000 का 1% 320, तो यहाँ पे 1% एडिशनल 320। समझ में आया, तो हमें रेम्यूनरेशन फाइंड करना था अमाउंट पेएबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 8,000 एडिशनल मिले सरप्लस के और इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी सरप्लस के मिले 32,000, राइट। तो टोटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की रेम्यूनरेशन की अमाउंट कितनी आई, 2240 प्लस 160, 2240 प्लस 160 दैट इज 2400। अगर ऐसा समझ में ना आए तो डायरेक्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने मिल रहे, 1,12,000 और 8,000 एडिशनल दैट इज 1,20,000, उसके 2% निकालोगे तो भी 2,400 आंसर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितने मिलेंगे, 2,320, राइट। 2,000 प्लस 32,000 के 1% ऐसे करोगे तो भी मिलेगा और 2,000 प्लस 320 करोगे तो भी मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। अब क्या करना है, सिर्फ ये रेम्यूनरेशन की टोटल अमाउंट फाइंड करके बाहर लिख देनी है, दैट इज 13,400, 1,600, 600, 2,400 प्लस 2,320 दैट इज 20,320, राइट। और टोटल यहाँ पे टेली हो जाएगा 5,22,000। सिंपल इनफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस पार्ट, अंटिल दिस देर इज द सेम फॉर्मेट इज देयर, बट इन दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज द रेम्यूनरेशन इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट, सो वी हैव टू डिडक्ट द एंड सेपरेट द सरप्लस अमाउंट एंड रेम्यूनरेशन अमाउंट इन दिस मैनर। Understood? Okay, thank you.